स्वागत है आपका हमारे टेस्ट जरा हटके में। तो आइए आज हम एक यूनिक सा पिज़्ज़ा बनाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें कुछ बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर के चीज़ों से ही बन जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अंत तक मेरा वीडियो देखना होगा और आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आइए, दो कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। मैं यहाँ पे दो पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैं दो कटोरी आटा लूँगी। आपको एक बनाना है तो एक कटोरी ले सकते हैं। इसमें मैं दो चम्मच ये चीनी ऐड करूँगी, उसके बाद इसमें एक चम्मच ये नमक। क्या होता है इससे नमक खट्टा मीठा थोड़ा सा टेस्ट आता है। एक चम्मच नमक यहाँ पर मैं, और आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा है ये मैं ऐड करूँगी, बेकिंग सोडा। और इसमें मैं यहाँ पे दही नहीं ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने ये दो पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने दो टमाटर का प्यूरी बना के रखा हुआ है, वो मैं ऐड करूँगी। ये दो टमाटर का प्यूरी है ये मैं ऐड करूँगी, और इसमें मैं कुकिंग ऑयल ये दो चम्मच ऐड करूँगी, दो चम्मच इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अबे मैं इसमें टोमेटो का प्यूरी ऐड करूँगी, इससे क्या होगा थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन ऐसे टेस्ट आएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं पूरा अच्छे से मिक्स करके उसके बाद पानी से इसका सॉफ्ट डो बना लूँगी। हो गया है, अब मैं इसको ढक के 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। और अभी मैं लूँगी इसमें ये क्या है, ये मेरे पास 1 कैप्सिकम, 1 टोमेटो और ये 1 रेड ये अनियन है और 1 व्हाइट अनियन। यहाँ पे आप व्हाइट भी ले सकते हैं लेकिन मैं ये रेड ले रही हूँ। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं इसको फिर से मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। दो टुकड़ों में कर लूँगी और इसका लोई बनाऊंगी, और इसको साइड में रख के यहाँ पे मैं चकले को रखूंगी और इसमें स्प्रिंकल करूंगी ये सूखा आटा। इसको मैं मीडियम सा ये रोटी बनाऊंगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। पतला करने से क्या हमारा पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और थिक रखेंगे तो पकेगा नहीं। इसको मीडियम सा मैं बेल लूँगी। इसको मैंने इक्वल चारों तरफ से ये बेल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लूँगी फोक और इसकी मदद से ये बीच बीच में क्या करूँगी, होल कर दूँगी। इससे क्या होगा ये रोटी फूलेगा नहीं, नहीं तो बीच में फूल जाएगा। अभी मैंने इसको ऐसे कर लिया है, अभी मैं गैस को ऑन करूँगी और मीडियम फ्लेम ही रखूँगी। अभी मैं इसको इस पे रख दूंगी तवे पे और 1 मिनट के लिए वेट करूंगी। अभी मेरा 1 मिनट हो चुका है, मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है। तब तक मैंने ये दूसरा वाला भी बेल के तैयार कर लिया है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इस पे टॉपिंग लगाऊंगी। इस पे मैं टॉपिंग लगा लूँगी। अभी मैं इस पे आप मोजरेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैं इस पे बटर ऐड कर रही हूँ। इसको पूरा अच्छी तरह से फैला दूँगी। ये मैंने बटर घर पे बनाया है। इस पे फैला दूँगी। अभी देखिए ये मेरा मेल्ट भी हो रहा है क्योंकि ये गर्म है रोटी। और इसके बाद मैं इस पर हर्ब्स डालूँगी। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा मसाला भी डाल सकते हैं, मैं ये हर्ब्स डाल लेंगी, मिक्स हर्ब्स है। अभी मैं यहाँ पे गैस ऑन करूँगी मीडियम फ्लेम पे।
7-8 मिनट तक पकाऊंगी, और ऐसे ही दूसरा भी मैं तैयार कर लूँगी। अभी आपको दिख रहा होगा ये मेरे कितना अच्छा से आवाज़ आ रहा है, और ये मेल्ट हो रहे हैं बटर। मैंने यहाँ पे चीज़ नहीं डाला है, मैंने यहाँ पे बटर यूज किया है, जो मैंने बटर घर पे ही बनाया था। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए अभी कितना अच्छे से पक रहे हैं, सो चुके हैं। अभी मैं इसको खोलूँगी। वाह कितना सुंदर कलर आया हुआ है इसका। अभी मैं इसको आपको नीचे से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी पक चुका है। नीचे से क्रंची है, ये देखिए नीचे से क्रंची है और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट, कैसा जैसे मार्केट वाला पिज्ज़ा रहता है वैसा। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी और इसको मैं कट करूँगी। मैं इसको कट करूँगी। अब ये मेरा बनकर तैयार हो चुका है, मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए इसमें मैंने चीज़ नहीं डाला है, इसमें मैंने बटर डाला हुआ है। कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। और आपको ये मेरा ये रेसिपी कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत अच्छा लगा है लगेगा, और बच्चों को ज़रूर खिलाइए बना के, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अपना दूसरा वाला भी तैयार कर लूँगी, और ये लगभग तैयार हो चुका है और मैं इसको कट करूँगी। तो मैं दूसरे रेसिपी के साथ मिलती हूँ तब तक।